त्याला की त्याला घाबरून द्यायचं आणि या ना त्या कारणाने आमच्या गरिबांकडून पैसे लुबडायचे. तुमच्याकडे एक हार्टचा पेशंट बरा झाला ना त्याच्या बदल्यात त्याच्या घरी पाच लोकांना बीपीचा त्रास चालू होतो तुमचं बिल बघून. लोक काबाड कष्ट करून कमावलेला पैसा तुमच्या दारी ओततात आणि नंतर तुम्ही हात वर करत म्हणता माफ करा आम्ही पेशंटला वाचवू शकलो नाही, बिल तेवढे फक्त भरून द्या. अरे अरे हा कोणता निर्दयी धंदा तुमचा? ये अरे तुमको क्या मालूम कि डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती है? अरे रात हो या दिन हो, अरे कभी भी इमरजेंसी में थोपना पड़ता है, क्या पता कौन सी मुसीबत कब चली आए. अरे अरे असा इमरजेंसी करूनच तर तू बंगला बांधलास, दारात गाडी उभी केलीस. तुम्ही डॉक्टर महागडी औषधं देतात आणि औषध कंपन्यांकडून कमिशन घेतात, पेशंटला विनाकारण वेगवेगळ्या टेस्ट करायला लावतात आणि पॅथॉलॉजी लॅब कडून सुद्धा कमिशन उकळतात तुम्ही. इथे असलेल्या प्रत्येकाला विचारा. अहो दवाखान्याचं नाव ऐकलं की धडकीच भरते, खाऊन खाऊन किती खाणार आहात तुम्ही? अहो तुम्हाला भस्मय झालाय का? चोर साले, माझ्यासारख्या गरिबांना लुटतात तुम्ही. अहो चोर आहात तुम्ही, चोर चोर आहात तुम्ही, चोर. ये सरके, अरे बहुत बुरा काम किया रे आपन लोगों ने. हाँ भाई, ये डॉक्टर का धंधा है ना भाई, ये एकदम ही गंदा है. ये सर के, ये डॉक्टर के धंधे में ना सुधार होने को मनता है. अरे पहले जब डॉक्टर को देखा ना तब भगवान याद आता था, लेकिन अभी उसका नाम भी लिया ना तो शैतान का डर लगता है. एकदम बराबर बोला भाई. साला बिस्कुट भी लेने जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही रेट में मिलता है, पर ये डॉक्टर के धंधे में एमआरपी है ही नहीं. बोले तो जो मन में आए वो रेट लगाने का और पेशेंट को मांग बनाने का, इतना पता इन लोगों को. ये सर के, अरे जिनके पास पैसा नहीं है ना उन लोगों ने भी आयुष्मान भारत जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मांगता है. भाई क्या बोलता है भाई, जैसे कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है ना भाई, वैसे अस्पताल में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों से विनती करता हूँ कि अपने फायदे के लिए गरीबों को मामू मत बनाओ यार. और हाँ भाई, वो जो जेनेरिक दवाई है ना वो भी ज्यादा से ज्यादा यूज होना मांगता है, ये डर का बिजनेस है ना एकदम खराब होना मांगता है. ये अपना भारत देश है ना 2020 में ना सुपर पावर बनना मांगता है.